हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सपना अस्मिका साथ। तो चलिए आप मेरे घर में आ चुके हैं। चलिए हम बनाते हैं आज फ्राइड राइस, जो मैं बच्चों के लिए और अपने लिए अलग अलग तरीके से बनाऊंगी, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पे ऑयल ले लेंगे, उस पर मैंने जीरा और हिंग डाल दिया और चार लौंग और बड़ी इलायची मैंने पीस के डाल दी है। कड़ी पत्ता और तेज पत्ता दोनों ही मेरे पास नहीं थे तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें सब्जियाँ ऐड कर दूँगी, जिसमें मेरे पास है कैप्सिकम, कॉर्न, ये दोनों सब्जियाँ हैं, ये भी मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी। और अब आ जाती है हमारे मसालों की बारी। तो मसालों में हमारे जो मेन इंडियन स्पाइसेस होते हैं बस वही इसमें डल जाएंगे, आपके पास जो भी आप डालते हैं सब कुछ डाल दीजिएगा। और इसमें अगर आप डालना चाहें ना थोड़ा सा अमचूर डालिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, या नींबू मिल जाए तो नींबू डाल दीजिएगा। अब जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए तो इस पर मैंने अब अदरक डाल रही हूँ ग्रेट कर। अदरक नहीं है तो आप ड्राई जिंजर पाउडर मिलता है वो डाल दीजिएगा। देन अब हम यहाँ पे होममेड पनीर या बाज़ार से पनीर मिलता है तो ग्रेट करके डाल दीजिए, मैं होममेड पनीर डाल रही हूँ। इनको अच्छे से सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। और अब आती है बारी नमक ऐड करने की, तो मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है, रॉक सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब आ गई ये राइस जो मैंने रात को बनाए हुए थे, लेफ्ट ओवर राइस है, उसी का बना रही हूँ मैं फ्राइड राइस। तो अब यहाँ पर 2 क्यूब मैंने बटर के डाल दिए, तो हमारी हो गई ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी, जो हम बड़े लोग खाएंगे हमारे स्टाइल की। अब बनाते हैं बच्चों के स्टाइल की। तो मेरी जिया को पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्यूब बटर के ले लिए पैन में और डाल दिया है जीरा, हींग और थोड़ी सी अजवाइन। अब मैं डाल दूँगी कॉर्न्स और कैप्सिकम, उसे पसंद नहीं है तो मैं अवॉइड कर दूँगी। देन मैंने डाल दिया इस पर पनीर, पनीर अच्छे से डालिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब इस पर रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर का मैं यूज़ कर रही हूँ और रेड चिली पाउडर मैं यूज़ नहीं करूँगी, ब्लैक पेपर बच्चों को पसंद आता है और उनको स्पाइसी भी नहीं लगता ज़्यादा। और इसमें आप अपने राइस ऐड कर दीजिए, इसका फ्लेवर ऐसा आएगा ना जैसा लाइक हम वाइट सॉस पास्ता खाते हैं, बस वैसा इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही यम्मी लगता है। अब यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर पाउडर या लीव्स आप ऐड कर सकते हैं, बस इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। ये बहुत ही यकीन मानिएगा बहुत ही टेस्टी बना था। तो हमारे पास दोनों तरह के फ्राइड राइस रेडी हैं, जो एक बच्चों के लिए और दूसरा है बड़ों के लिए, जो हम लोग सभी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।